अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई दुबई से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज की अपडेट निकल कर आ रही है। फ्लाई दुबई ने भारत और पाकिस्तान समेत अन्य 9 जगहों के लिए विशेष यानी स्पेशल फ्लाइटों की घोषणा की है। जैसा कि यूएई सरकार ने यात्रा आंदोलन पर प्रतिबंधों में ढील दी और अपने हवाई अड्डों को फिर से खोलने की घोषणा की है, फ्लाई दुबई ने तत्काल प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के 21 शहरों समेत रिपीटेशन फ्लाइट उड़ान करने की घोषणा की है। यूएई के निवासी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, बुल्गारिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, रोमानिया, सर्बिया और यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक आज से फ्लाई दुबई की वेबसाइट पर रिपीटेशन फ्लाइट के लिए अपने टिकट बुक कर सके। यूएई ने यूनाइटेड किंगडम को 6.6 टन की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की दान में दी, जो कि एक निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई के लाखों वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम करेगा। शिपमेंट शुक्रवार की सुबह एक विशेष चार्टर्ड उड़ान पर हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचा और 6.6 टन पीपीई किट कपड़ों से बंधा हुआ था। ब्रिटेन ने संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मंसूर अल बुलहक ने कहा कि हम अपने सबसे करीबी दोस्त और सहयोगियों में से एक ब्रिटेन की सहायता करके प्रसन्न हुए। यूएई ने अब तक दुनिया भर के 63 देशों की अपनी सहायता। दुबई स्थित ऑटो व्हीकल कंपनी रेनॉल्ट ने कहा कि शुक्रवार को अपने यहां मूल फ्रांसीसी परिचालन में 4600 सहित दुनिया के लगभग 15,000 अपने कंपनी में कार्य वर्करों की नौकरी में कटौती करेगा, क्योंकि अब कार की बिक्री इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की शिफ्टिंग के मद्देनजर अपने पैर जमाने की सोच रहा है। कुल मिलाकर रेनॉल्ट उत्पादन की क्षमता अगले 4 वर्षों में 3.3 मिलियन वाहनों से कम हो जाएगी। अबू धाबी स्थित एहतियात एयरवेज ने गुरुवार को पुष्टि की कि अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती को लेकर सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। दुनिया भर में विमान क्षेत्र में घाटा चल रहा है। मार्च में एयरलाइन अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों के लिए अप्रैल के एक महीने से 25-50% के बीच मूल वेतन में अस्थायी कमी करने की घोषणा की थी। दुबई का आज का मौसम कैसा रहेगा? आज दुबई अबू धाबी में शनिवार को गर्म धूल भरे वातावरण रह सकते हैं। यह अबू धाबी में 42 डिग्री सेल्सियस से और दुबई में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। शाम और रविवार सुबह नमी बढ़ेगी, जिससे धुंध और कोहरा बनने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि धुंध के कारण देश में उत्तर तट पर धुंध की संभावना ज़्यादा हो सकती है। यूएई में पिछले 24 घंटों के अंदर 624 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए मामलों के दर्ज हो जाने के बाद यूएई में कुल मरीजों की संख्या 37,642 हो गई और शुक्रवार को स्वास्थ्य और रोकथाम के मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि एक और मौत हो जाने के बाद में देश में मृत्यु लोगों की संख्या 274 के पार पहुंच गई है। यूएई के निवासियों ने कोरोना सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए 3-5 हज़ार दिरहम का जुर्माना लगा। उल्लंघनकर्ताओं की तस्वीर जारी की। आधिकारिक तौर पर कोविड की सुरक्षाओं के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यूएई निवासियों के साथ साथ अन्य देशों के लोगों को भी पकड़ा गया। यूएई की दो एयरलाइन कंपनियां एमिरेट्स और एतिहाद ने गुरुवार को घोषणा की कि अगले 10 दिनों में एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की 49 जगहों को जोड़ेंगे और अपनी सेवाएं स्टार्ट करेंगे। सऊदी अरब ने लाल सागर शहर जेद्दा में कर्फ्यू लगा दिया। कोरोना वायरस के प्रकार को रोकने के लिए शनिवार से शुरू होने वाले 2 सप्ताह के लिए कर्फ्यू को फिर से लागू कर दिया है। यह कर्फ्यू दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एसपीए ने कहा कि शहर में मस्जिदों में नमाज अभी भी निलंबित कर दी गई है। बयान में कहा गया कि शहर में मंत्रालय, सरकारी एजेंसियां और निजी क्षेत्र की कंपनियों कर्मचारियों में काम नहीं कर सकेंगे। रेस्टोरेंट और कैफे और अपने परिसर में भोजन पेय सेवा नहीं ले सकेंगे और 5 से अधिक लोगों के साथ एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। घरेलू उड़ाने, ट्रेन सेवाएं चल। अब कुछ खबरें अपने प्यारे देश इंडिया से देखते हैं, क्या अपडेट निकल के आ रही है इंडिया से। मस्जिदें खुलने से पहले ओवैसी ने मुस्लिमों से अपील की कि कहा कि 8 जून के बाद ऐसे होने चाहिए नमाज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मस्जिदें खुलने वाली हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद के मुफ्तियों के साथ कोरोना के बीच की दी गई गाइडलाइन के नियम बनाने चाहिए, उसे का पालन करना चाहिए। तबलीगी जमात में शामिल 2,500 विदेशियों के ऊपर भारत में आने के लिए 10 साल का बैन लग गया है। जनरल पनाग के लेख ने दावा किया है कि चीन का पलड़ा भारी है, 3 हिस्सों पे घुस आए हैं चीनी सैनिक। तस्वीर शेयर की राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति जरूर जाने इस घटना को। लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर आज होगी अहम बैठक, कूटनीति स्तर पर हुई शांति की पहल।
कोविड से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है आयुष्मान भारत की योजना, WHO ने ऐसा कहा है। LAC का तनाव लद्दाख में जारी, भारत और चीन के बीच आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात होगी। 1 करोड़ रिक्शा चालकों को ई रिक्शा देने की फिराक में है केंद्र सरकार। अनलॉक 1.0 में राज्य बिहार सरकार ने अब नाइट में कर्फ्यू, बस और ऑटो चलाने की दी इजाजत। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार कर सकते हैं हेलीकॉप्टर का उपयोग। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत और चीन में बनी सहमति, मोदी और शाह के मंत्री शांति से सुलझाए।